हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग शॉप से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं आज शॉप आई हूँ सुबह सुबह। अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ बट वो अभी गाड़ी पार्क करने गए हैं, तब तक मैंने शटर ओपन कर दिए थे। और अब लगाते हैं झाड़ू, सबसे पहले झाड़ू, क्योंकि क्या होता है ना, जिस दिन मैं आई होती हूँ उस दिन तो सवाल ही नहीं उठता कि वो झाड़ू लगा ले, उनको बड़ा ख़राब लगता है। हाँ तो बस, या तो चिप्स या फिर ये स्नैक्स या नट्स, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तब बोलते हैं कि पेट निकल रहा है मेरा। गाइस, मैं अभी अभी थ्रेडिंग करा के आई हूँ और मुझे इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है, मुझे इतनी दर्द हो रही है। सो दोस्तों, अब शॉप आई हूँ तो पतिदेव जी ने बोला है कि प्लीज़ 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 स्टोर साफ़ कर दो, क्योंकि इनको ना बहुत टाइम से स्टोर साफ़ करने में ना अकेले अकेले ठीक नहीं लग रहा था, तो ये बोल रहे हैं कि स्टोर साफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़। तो फिर चलो इनकी थोड़ी हेल्प करते हैं और स्टोर साफ़ करते हैं आज। तो मुझे थोड़ी देर में घर जाना है, फिर जब तक मेरी बस नहीं आती तब तक मैं स्टोर साफ़ कर लेती हूँ। और अभी बस को आने में टाइम है, तो चलो फिर स्टोर की ओर। तो यहाँ है जी हमारा स्टोर जो कि बहुत फैला हुआ है, ये सब दिखाने के लिए मुझे ना बाद में बड़ा मारने वाले। थोड़ी साफ करना था इसको, थोड़ा एडजस्ट करना था एक एक तरफ को और इनको एक तरफ को। तो चलिए शुरू करते हैं। यार समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। पहले इनको अरेंज करती हूँ ढंग से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये मैंने रख तो दिए है ना थोड़े बहुत निकाल के अरेंज करके, बट पता नहीं फिर बोलेंगे मुझे बाद में कि वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं छेड़खानी करी है। थोड़ी थोड़ी सफाई तो होगी, मतलब थोड़ी थोड़ी, थोड़ा चलने के लिए जगह बन गई स्टोर में, और थोड़ी कभी और आऊँगी फिर कर लूँगी। और मैंने ना ज़्यादा चीज़ें छेड़ी नहीं क्योंकि वो बाहर बिजी है और फिर मैं उनसे पूछ नहीं सकती घड़ी घड़ी, फिर अगर मैंने कहीं वो रख दी फिर इनको बाद में मिलेगी नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही शॉप में होते हैं। तो इसलिए इतना काफ़ी अभी के लिए, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर देखेंगे। और गाइस मेरी बस आती हुई, चलते हैं अब, बाय, मैं जा रही हूँ, है ना। एक्चुअली ना घर में बहुत सारी रोटियां बची हुई थी पिछले कल की रात की, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत डाल दी थी क्योंकि डॉगी आते रहते हैं यहाँ पे भी। ले 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 ले, खा ले खा ले, बाय बाय। गाइस मैं आपको रियो का दोस्त दिखाती हूँ। गाइस ये रहा रियो का फ्रेंड, रियो सुबह सुबह पहले इससे मिलने आता है यहाँ पे। हेलो हेलो, यही देख रहा है। आजा आजा आजा, एक्चुअली मुझे इसका नाम पता नहीं है, पर ना जब हमने रियो को पहले पहले लाया था तो वो दौड़ के आता था घर से और इसके घर के बाहर बैठ जाता था इससे मिलने के लिए,
अभी भी आता है वो बीच बीच में। रियो तो इसको अपना फ्रेंड मानता ना, ये नहीं मानता, पर क्योंकि क्योंकि वैसे तो ये रियो से एज में बहुत बड़ा है ना, पर ऐसे हेल्थ वाइज ना रियो थोड़ा बड़ा है, तो जब वो इसके साथ खेलने की कोशिश करता ना तो इसको बड़े ज़ोर से लगती है, तो वो खेलता ही नहीं है इसके साथ। पहचाना ही, अब पहचाना गंदे, पता ही नहीं चल रहा था। तो चलो चेंज कर लेते हैं। चलो जी, चेंज भी हो गया, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों अब डिनर टाइम होने वाला है, तो फिर अब मैं डिनर की तैयारी शुरू करने वाली हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी दाल, और साथ में मैं आज सोच रही हूँ कि मैं ना आज एप्पल की सब्जी बनाऊँ और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एप्पल की सब्जी। और इससे पहले ना मैंने एप्पल की सब्जी सिर्फ एक बार ही बनाई है, काफ़ी पहले बनाई है, तो फिर मैं सोचू पता नहीं अगर वो अच्छी नहीं लगी तो फिर दाल खा लेंगे। तो फिर और आजकल वैसे भी एप्पल काफ़ी पड़े हुए हैं हमारे पास, तो इसलिए चलो सब्जी बना लेते हैं उसकी। एप्पल की सब्जी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए एप्पल्स। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ले लिए हैं एप्पल्स, और मैंने ना ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के एप्पल लिए हैं, कुछ खट्टे वाले कुछ मीठे वाले, मतलब ऐसे ऐसे करके, और फिर इनको छिलना स्टार्ट किया है। तो हम जल्दी 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 इनको छिलेंगे। और यहाँ पे ये पीसेस कट करके रख दिए हैं मैंने, बट सब्जी बनाने के लिए ना आपको इससे भी छोटे छोटे पीसेस करने हैं, तो ये मैंने थोड़े बड़े बड़े कट किए थे, तो अब मैं सब्जी के लिए इनको थोड़ा और छोटा 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 कट करती जाऊंगी। और ये देखिए जी, हमारी कड़ी मेहनत के बाद हमने सारे एप्पल छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिए हैं। अब हमारी है प्याज और टमाटर की और लहसुन की, ये देखिए चुटकी बजा के ये भी हो गए। और यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें डाला है ऑयल, और साथ में ये डाला हमने धनिया और जीरा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद डाल दिए ये प्याज, फिर डाली हमने हल्दी, टोमेटोज, और अब इसको यहाँ पकने देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, और फिर टमाटर को थोड़ा स्टिर करते करते हम इसको पकने देंगे। और ये डाला मैंने यहाँ पे हींग, मतलब यार नॉर्मल तड़का ही लगाते हैं, जैसे और टाइम लगाते हैं बस वही लगाना है। और अब बारी आती है एप्पल्स की, और ये मैंने यहाँ पे एप्पल्स डाल दिए और इनको स्टिर करते रहे करते करते रहे। और उसके बाद अब हाई फ्लेम से इसको थोड़ी सी लो फ्लेम में डालेंगे और 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और बस हमारी सब्जी तैयार है जी। ये थी सेब की सब्जी, और आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। और मिलता नहीं है कोई सब्जी वगैरह की, या रोज़ रोज़ क्या बनाए, तो आप सेब की सब्जी बना सकते हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता कि किसको अच्छी लगेगी किसको नहीं लगेगी, बट ठीक है, ट्राई तो करना ही चाहिए।